नमस्कार, केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज था, लेकिन उच्च बेंच की सिफारिश। हिजाब प्रतिबंध जारी रहेगा, बेहतर फैसले की उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट के हिजाब प्रतिबंध के फैसले पर बीसी नागेश ने कहा। FKCCI एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं बल्कि एक निजी संस्था है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा। भाजपा नेताओं ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने का आह्वान किया। कर्नाटक, पुजारी पर दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने का आरोप। SC ST को न्याय दिलाने के लिए सब कुछ करेंगे, CM बोम्मई का आश्वासन। कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, BS येदियुरप्पा को दलित घर में नाश्ता करने पर लगाई फटकार। आज कर्नाटक के KR पेट में त्रिवेणी संगम में कुंभ मेला शुरू हुआ। मंगलोर जिला अदालत ने मुआवजे के विवाद पर MCC की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश। कर्नाटक में RSS कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप में 20 गिरफ्तार। मंगलोर में CISF PSI ने की जीवन समाप्त करने की कोशिश। BBMP विध्वंस अभियान के विरोध में बेंगलुरु दंपति ने दी आत्मदाह की धमकी। ओला, उबर, रैपिडो, ऑटो बेंगलुरु में अवैध घोषित, कंपनियों को 3 दिन में बंद करने को कहा। कर्नाटक के एक होटल मालिक पर लड़के का यौन शोषण करने का आरोप। कैसे 2022 ऑप्शन एंट्री आज शाम 6 बजे से शुरू होगी, KEA.car.NIC.in। 2023 कर्नाटक चुनाव के लिए BRS के साथ कोई गठबंधन नहीं, HD कुमार स्वामी ने कहा। DK शिवकुमार के दौर का सौर घोटाले की जांच कर सकती है कर्नाटक सरकार। धारवाड़ के चिकमलीगवड़ गांव में IIT परिसर के पास उनके खेत में एक दंपति का शव मिला। NIT के बहुउपयोगिता परिवर्तनीय ई स्कूटर श्रृंखला लॉन्च करेगा। UG मूल्यांकन मुद्दों के बावजूद मैंगलोर विश्वविद्यालय PG में प्रवेश। KP एक्सप्रेस कर्नाटक में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।